एक्सपर्ट के बारे में बताने के लिए मदद मिला है हमारे साथ। और बार बार तो पता हुआ क्या करते हैं उसको सारा जो बना कंपेयर कर आपका जो काम आपका विभाग का जो है वहाँ पर कंट्रोल रूम उसको देना होगा, सी एम हाउस में कंट्रोल रूम में वहाँ से देना होगा। और दूसरा जो लोकल हमने का जो इशू कहा है दोबारा हमने वो ईमेल के एड्रेस करके फॉलो अप करके कंसर्न चीज़ें का हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है जिला विदिन बिहार है तो कोई इशू नहीं, हम लोग बैठे बिहार के बाहर है एक तो कंट्रोल रूम लोग भेजेंगे वहाँ पर और हमारे बोकली में बताते हैं बोकली में तो बैठे हुए हैं संबंधित जिला से सपोज राजस्थान का है महाराष्ट्र का है वहाँ छोटे छोटे बच्चों को बड़ा और फॉलो बहुत जरूरी है, हर जो कंप्लेंट है वो फॉलो करते हैं, 100 कंप्लेंट है तो 100 कंप्लेंट पर कार्रवाई क्या होगा की जानकारी मिलती तो एम ओ आई सी को मेडिकल टीम चला। अभी हमने कल बोला है कि पंचायत सचिव को सलाह दिया जाएगा, लिस्ट दे दीजिए पंचायत सचिव या पंचायत सेवक जो होगा वो अगर पंचायत का एरिया है तो खुद भी जाकर कन्फर्म करेगा, जो होता है एम ओ आई सी बहुत ज़्यादा हाँ भाई बहुत ज़्यादा वो कल जाकर चेक कर लेगा बाहर से लोग आए लेकिन बहुत सारी इस बीच में बहुत सारे केसेस आए कि लोग बताए कि तबलीगी जमात से लोग आए तो उसको थोड़ा केस लोगों के करना उनको बता दीजिए नहीं बता दीजिए। ये जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है और ये पिछले 2 हफ्ते से कार्य कर रहा है और जब से लॉकडाउन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी 22 तारीख से तब से यहाँ पे 10 लाइन हंटिंग लाइन पे कार्य हो रहा है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विभिन्न पदाधिकारी बैठे हैं जिनके द्वारा प्रत्येक कॉल को अटेंड किया जाता है और प्रत्येक कॉल पर चाहे वो जिस भी संबंध में हो, चाहे वो कालाबाजारी के संबंध में हो, पीडीएस राशन के संबंध में हो, गैस सिलेंडर के संबंध में हो, कुछ लोग जो बाहर फंसे हुए हैं बिहार के जो लोग हैं उनके संबंध में हो या फिर हमारे लोग कहीं पर कोई कोई इशू है उसके बारे में जो बताते हैं तो उसको नोट किया जाता है और उसको इमीडिएटली संबंधित पदाधिकारियों को जो टीम है हमारी उसको डायरेक्शन दिया जाता है और फिर फॉलोअप किया जाता है कि उनके द्वारा कार्रवाई की गई कि नहीं। यहाँ पर 2 वरीय पदाधिकारी सब डिप्टी कलेक्टर जो हमारे होते हैं सीनियर डिप्टी कलेक्टर उनको भी लगाया गया है और IAS प्रोफेशनल हैं जो पूरे चीज़ को देख रहे हैं यहाँ पर और इंश्योर करा रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि इस टाइम में जब लोग सभी लोग घरों में हैं तो ये कॉल सेंटर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे उनकी आवाज़ और उनके इशूज़ हम लोग यहाँ से एड्रेस कर सकते हैं और हमारे जो विभिन्न टीम्स काम कर रहे हैं फील्ड उनको हम ये सुनिश्चित करा सकते हैं उनके द्वारा कार्रवाई की। करीब कितने कॉल्स आए हैं उसका क्या हुआ? देखिए प्रतिदिन हम लोगों के पास करीब 200 से 300 कॉल्स आ रहे हैं और प्रत्येक कॉल्स का हम लोग यहाँ पे विवरणी रखते हैं और उसको विभिन्न सेगमेंट में हम लोग बांट के रखते हैं कि वो किससे रिलेटेड हैं, वो चाहे खाद्यान्न से रिलेटेड हों, चाहे वो मेडिकल परामर्श से रिलेटेड, एक डॉक्टर भी यहाँ बैठते हैं 3 पालियों में उनके द्वारा इसको मेडिकल परामर्श भी दिया जाता है या फिर अन्य चीज़ों से रिलेटेड और उनका प्रतिदिन शाम को 5 बजे हम लोग फॉलोअप करते हैं जो सभी कोषांगों के साथ बैठक होती है और उसमें इंश्योर किया जाता है कि हर कॉल पर कार्रवाई हुआ है और ऐसी चीज़ों में जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात होती है अंतर जिला इशूज़ होते हैं या अंतर स्टेट इशू होते हैं उसको मेरे स्तर पे और आपदा विभाग के द्वारा जो कंट्रोल रूम बनाया गया है और सीएम हाउस में भी कंट्रोल रूम बनाया गया वहाँ पे उसको सूचित किया जाता है ताकि ऐसे हमारे बिहार के मजदूर जो बाहर फंसे हुए हैं उनको भी वो आपदा राहत दिया जा सके आपदा की स्थिति में और उनको भी उस परिस्थिति में लाभ मिल सके। सर अभी जो है वो दिल्ली से एक मामला है जो पूरे देश में है अमेरिका से जुड़े हुए और ये बहुत कोरोना के तरह से कई लोग हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, गया जिला में कि उसमें क्या है कितने लोग करीब गए थे और क्या उनका स्टेटस? देखिए इसमें मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि गया से जो हमारे पास जो फाइनल कन्फर्म हुआ है कि 9 लोगों ने गया जिले से अटेंड किया था उसको, उसमें 3 लोग गया में हैं और 11 मार्च के पहले गया आ चुके हैं और वो सभी लोग की प्राइमरी चेकिंग की जा चुकी है और उनके पास ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है और वो सभी क्वारंटाइन में हैं, अपने होम क्वारंटाइन में हैं। 6 अन्य लोग जो गया से गए थे वो सभी लोग अभी भी दिल्ली में हैं और वहाँ पर अपने क्वारंटाइन में वहाँ पर वो सुरक्षित है। करीब 10 फॉरेनर्स
गया आए थे, जो वहाँ अटेंड करके आए थे, वो सभी 10 फॉरेनर्स 9 मास तक वापस जा चुके हैं, अपने अपने देश या अपने अपनी जगहों पर वापस जा चुके हैं। तो अभी गया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि तबलीगी मरकज में अटेंड किया हो और जिसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है या जिसको ट्रैक नहीं किया गया है। किसी भी तरह का अफवाहों से बचे, मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, किसी भी तरह का अफवाहों से बचे। अगर आपको कोई जानकारी है या कोई आपको ऐसा पता चलता है तो जरूर प्रशासन को दें, लेकिन अपने स्तर से कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी कार्य ना करें। शाम को